नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव जो है 7 फेज में संपन्न हो चुका है और इसको लेके अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो सरकार में आने वाले हैं और वो सरकार बनाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? और हमारे साथ हैं तनवीर आजम जी, क्या कहेंगे सर? देखिए आदित्य, चुनाव संपन्न हो गए हैं 7 फेज के और तकरीबन 1.5 महीने से के करीब ये चुनाव चले, और तो इसको मतलब संपन्न होने से पहले मैं थोड़ा दर्शकों को पीछे की तरफ ले जाऊंगा कि जब दिसंबर में जब चुनाव हुए थे 3-4 असेंबली के, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जब चुनाव हुए, और उसमें से 4 राज्यों में से 3 में बीजेपी ने बाजी मार ली थी और एक कांग्रेस के पाले में गई थी। उसके बाद ना विपक्ष काफ़ी डिफ्लेटेड हो गया था, उनको लगा मतलब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, और बीजेपी जिस तरीके से 3 राज्यों में उन्होंने मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हासिल की थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मामला बड़ा ये था। छत्तीसगढ़ तो बहुत ही मतलब चौंकाने वाले नतीजे जी जी बिल्कुल सिर्फ एक राजस्थान था जहाँ लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी ने सबको हैरान करके 3 राज्य जीत लिए। सारे मतलब जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट थे या सोशियोलॉजिस्ट थे या जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो हम जैसे लोग होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, उन लोगों को सबको मतलब हैरानी हुई थी जिस तरीके से बीजेपी ने, और अच्छी जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में भी अच्छी मतलब मेजोरिटी बहुत अच्छे से कामयाब हुए थे। उस वक्त ऐसा लगा था कि अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोकसभा जब चुनाव होंगे जब मई वाले तो उसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल वैसे ही एक तरफा रहेगा। फिर उसके बाद जनवरी में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरीके से उसको कवरेज किया गया और जिस तरीके से उसको इवेंट बनाया गया इवेंट की तरह जो वो पूरा रहा, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि मतलब जो चुनाव आने वाले हैं मई में वो तो बिल्कुल ही मतलब वन साइडेड अफेयर हो जाएंगे। मार्च तक ये चुनाव बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे और हम लोग भी आपस में डिस्कस करते थे कि बिल्कुल ठंडा चुनाव होगा और इसमें कोई ऐसा नहीं है। और उसके बाद जब तारीखों की घोषणा हुई और जब बीजेपी ने अनाउंस किया कि भाई वो इस बार 400 सीट पार कर जाएगी एनडीए और बीजेपी 370 सीट ले आएगी, उस वक्त तक हम लोगों को सबको लग रहा था कि हाँ ठीक है मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ही बीजेपी हर तरफ दिख रही थी। जी जी। लेकिन इस एक नारे को अपोजिशन ने पकड़ा जी और उसको फिर वो उन्होंने दूसरे तरीके से इसको हर जगह पे ये प्रचार करना शुरू किया, कैपिटलाइज किया कि बीजेपी इसलिए इतनी सीटें चाह रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएगी और आरक्षण खत्म कर देगी। अब आरक्षण एक ऐसा मुद्दा था और है भी, जो मतलब हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में हर जगह काफ़ी मतलब उसको संवेदनशील संवेदनशील मुद्दा था। तो धीरे धीरे ये मुद्दा ना लोगों के दिलों में जाके उसने एक घर बना लिया। हालांकि मैं बहुत हैरान था और मुझे बड़ी ये बात बड़ी अचरज सी लगती थी कि ये कोई मुद्दा थोड़ा होता है चुनाव लड़ने का। अरे चुनाव महंगाई पे, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पॉलिसी, सुरक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन मुद्दों पे लड़ा जाता, संविधान खतरे में है, ये कोई मुद्दा थोड़े है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे 2014 में जब एक तरह से एक मुद्दा निकल के आया था कि हिंदू खतरे में, इस बार ये हुआ कि भाई संविधान खतरे में। और जब चुनाव शुरू हुए, शुरुआत के 2-3 जो फेजेस थे उसमें तो बीजेपी को ये बताने में ही लग गया, सफाई देने में ही गुजर गया उनके कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे और संविधान को हम हमें संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आरक्षण से तो बिल्कुल नहीं होगी। तो वो दो तीन फेज के जो चुनाव थे उसमें ऐसा लगा कि अपोजिशन के अंदर एक जान सी फूंक दी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाया, वापसी की है, हाँ वापसी, बिल्कुल वापसी की, और ऐसा लगने लगा कि हाँ मतलब एक चुनाव खुल गया। जैसे बंद चुनाव होते हैं जिसमें कि मतलब एक वन साइडेड टाइप का होता है कि हाँ ये पार्टी तो जीत रही है, जैसे मैं ये कहता हूँ गुजरात के जो असेंबली के चुनाव होते हैं वो बंद चुनाव हैं, वहाँ बीजेपी को कोई हरा नहीं रहा, बीजेपी सालों से है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव उस तरीके का शुरू में था लेकिन ये खुल गया। अब दो थ्योरीज हैं, जो थ्योरी दो तरह की ही थ्योरी चल रही है अभी फिलहाल मार्केट में, सोशल मीडिया पे भी और जो ट्रेडिशनल मीडिया हैं हम लोग टीवी वाले उन पे भी, कि मतलब या तो बीजेपी और इंडिया आसानी से बहुमत मतलब 300-350 सीटें ले आएगा या तो बीजेपी 230-240 पे सिमट जाएगी। जी जी। अब अगर पहले वाले थ्योरी को पकड़ें तो उसमें तो फिर कोई ये नहीं है कि चलिए ठीक है वो तो डन डील है, लेकिन अगर सेकंड थ्योरी कामयाब हो जाती है लोगों की जिस तरीके से लोग अपने एनालिसिस को आगे रख रहे हैं, तो फिर यह है कि इंडिया ब्लॉक के लिए एक चांस बनता है कि हाँ भाई आप सरकार बनाओ। अब इंडिया ब्लॉक ने अपना कोई चेहरा तो डाला नहीं है आगे कि हाँ भाई ये हमारे चेहरे हैं, पार्टीज बहुत हैं, कांग्रेस समझिए सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है,
फिर शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, और ऐसी पार्टियां भी है जो पार्टी है जी, और ये सब मतलब मेजर बड़ी बड़ी पार्टियां जी, हैं, सीपीएम भी है मतलब, और छोटी छोटी पार्टी भी हैं, एनडीए के घटक दल भी हैं जो जा सकते हैं, और कुछ ऐसे दल हैं जो ना इधर है ना उधर है जी जी, ना एनडीए के साथ है ना इंडिया ब्लॉक के साथ है, जैसे आपके बीजू जनता दल हो गए या वो वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, लेकिन हाँ टीएमसी जैसे है उसका झुकाव है इंडिया ब्लॉक की तरफ, उन्होंने बोला भी है कि भाई अगर ऐसी बात हुई तो हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि चेहरा कौन होगा, अब चेहरा कौन होगा ये मतलब ये तो मतलब इस टाइम पे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर जैसे कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर हमें बहुमत मिला इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिला तो हम दो दिनों में प्रधानमंत्री का चेहरा दे देंगे और चुन लेंगे। देखिए 2000 इस देश ने ये देखा है कि 2004 में इस तरीके के चुनाव हुए जब वाजपेयी जी बिल्कुल मतलब अनबिलीवेबल तरीके से हार गए थे, मतलब उस वक्त हम लोगों को यकीन नहीं था कि इंडिया साइनिंग वाला जो स्लोगन था वाजपेयी हारेंगे जी जी। लेकिन वाजपेयी हार गए और उसके बाद फिर कांग्रेस और यू मतलब लेफ्ट और इन सब ने मिलकर सरकार बनाई जी जी। फिर उस वक्त सोनिया गांधी ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे लाया, तो ये मतलब किसका चेहरा होगा, तीन चार चेहरे जो सामने दिखते हैं, एक तो कांग्रेस में है राहुल गांधी को वो बना सकते हैं, खड़गे भी हैं, खड़गे बन सकते हैं, दलित चेहरा है, सीनियर है, एक्सपीरियंस है जी जी। गांधी परिवार का एक वो भी है कि भाई हम तो सत्ता में डायरेक्टली सत्ता में बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन सिंह को उन्होंने 10 साल राज करने दिया बिल्कुल बिल्कुल, बाकी और तो ममता बनर्जी हैं अगर वो इंडिया ब्लॉक में आती हैं, जेडीयू अभी नहीं है लेकिन जेडीयू का कोई भरोसा नहीं है, जेडीयू ने इतनी पलटियां मारी है कि भाई वो फिर से अगर वो वापस आ जाए इधर तो अचरज की बात नहीं है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और मतलब ये मतलब बस ये सब एनालिसिस की बातें हैं, ये ऐसा होगा वो तो जून 4 को आज हम लोग जब एग्जिट पोल के वक्त बातें, अभी तो दावे किए जा रहे हैं, राजनीति में दावे चलते हैं क्योंकि भाई उनको भी टीवी पे आना है, उनको भी माहौल बनाना है, माहौल तो अपना सबको बनाना है अपने, ये मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें इसलिए की जाती है कि भाई जो कार्यकर्ता हैं वो जाके ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन बूथ पे जाए, नहीं तो फिर उनको अगर ये हो जाए कि भाई हम तो हार ही रहे हैं तो सुस्त पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाते हैं, वो जोश नहीं आता। लेकिन हाँ मुझे एक खबर मिली है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की जो कमेटी है उन्होंने शायद 100 किलो से ज्यादा लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। अब वो किस इस पे दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये खबर पक्की है कि उन्होंने दिया है ऐसा ऑर्डर, हो सकता है कैडर को एनर्जाइज करना चाहते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं जी जी जी, उसमें से एक ही सीट कांग्रेस के पास है छिंदवाड़ा वाली जो कमलनाथ लड़े थे और जीते थे, इस बार उनके बेटे लड़ रहे हैं वहां से। मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत ज्यादा चांसेस है, मिठाइयां अगर कांग्रेस को बांटनी है तो शायद उन्हें राजस्थान हरियाणा कर्नाटका इन जगहों पे उनको मौका मिल जाएगा शायद, मतलब दो दो पांच पांच सीट वो एक्स्ट्रा जीत जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि अगर इंडिया ब्लॉक सरकार बनाती है अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है क्योंकि अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी हाल, बीजेपी अभी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपने दम पे मेजोरिटी ना ला पाए, मैं अभी भी आज भी बीजेपी को मेजोरिटी दे रहा हूँ मैं अभी भी, मुझे मेरा ये मानना है कि बीजेपी 270-280 सीटों से कम पे नहीं इस चुनाव को खत्म करेगी, और 4 तारीख को नतीजे मतलब जैसा कि रुझान देखने को मिल रहा है रुझान, और ऐसी कोई लहर नहीं है इस चुनाव में, ना ही मोदी के पक्ष में लहर है ना ही मोदी के खिलाफ में लहर है जी जी। कुछ मतलब कुछ कुछ पॉकेट्स में वो कह सकते हैं हम कि तरंगे देखी जा सकती है, बिल्कुल थोड़ा फेरबदल कहीं कहीं हो, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा जैसे उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पे हो जाएगा जी जी जी, बिहार में 2-4 सीटों पे हो जाएगा, लेकिन उससे सरकारें नहीं गिरती हैं जी जी। आप भी आपका भी इतना राजनीतिक अनुभव है तो चेहरे के तौर पे अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी चेहरा सामने जी जी। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कांग्रेस इस बार अगर इंडिया ब्लॉक आती है तो मुझे लगता है कि देश को इस बार दलित प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल मतलब क्योंकि एक बार जो इससे पहले उन्होंने साबित किया था कि हमने माइनॉरिटी को पीएम बनाया है तो कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है जैसे कि वो दावा कर भी रहे हैं, और अगर वो जीत कुछ सीटें अगर जीत जाते हैं इस बात पे कि भाई हम आरक्षण के समर्थन में हैं और हम आरक्षण विरोध करने वाले बीजेपी जो क्लेम करते हैं आरक्षण विरोधी है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पे अपना अगर उसको खड़ा होना है दोबारा तो उनको चाहिए इनका समर्थन। देखिए कांग्रेस जब पावर में रही सालों साल रही 55 साल रही कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, गरीब दलित मुस्लिम यही थे मेजर वोट बैंक कांग्रेस की, यही थे बहुत सालों तक इन्होंने साथ दिया। अभी जो दलित वोट बैंक है वो छिटकता गया, ओबीसी भी छिटकते गए, कोई समाजवादी में चला गया, कोई मायावती के साथ चला गया, लेकिन
मतलब मुझे लगता है कि ये इंडिया ब्लॉक बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पे उभर सकता है कांग्रेस। ये हो सकता है कि कांग्रेस 60-65 सीटें 70 सीटें ले आए, उनको फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो चेयर होती है वो मिल जाए। और आपको पता है जब लीडर ऑफ अपोजिशन जब होते हैं तो फिर वो डिप्टी जो स्पीकर होते हैं वो भी फिर आपको अपोजिशन पार्टी को देना पड़ता है। ये सब एक फायदे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहां हासिल कर सकते हैं कुछ। कैबिनेट का रैंक होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का रैंक भी बहुत अच्छा और ऊंचा रैंक है। कांग्रेस दो बार दो टर्म से नहीं ला पाई है वो पोजिशन, उनको मिल नहीं पाई है संवैधानिक तरीके से। सीटें तो गेन करेगी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के पार्टीज भी गेन करेंगी, लेकिन इतनी सीटें गेन कर लें कि वो बीजेपी या मोदी को तीसरा टर्म करने से रोक दें, मैं मुझे लगता है कि मतलब जून 4 को एक बार फिर से मोदी का नाम ऊपर रहेगा और वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले शायद इस देश के दूसरे व्यक्ति हों जवाहरलाल नेहरू के बाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने चर्चा की है कि चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या संभावनाएं बनती है, हालांकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं और राजनीति बिल्कुल ही संभावनाओं का खेल है, तो संभावनाएं बनी रहती है। हमारे साथ जुड़े रहिए डीएनए के साथ। शुक्रिया।